हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है बटर नान। लोगों को बटर नान बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा आपको इतनी इजी तरीके से बताना सिखाऊं कि आप घर में बना सको। तो बटर नान बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो है एक कटोरी मैदा। अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी ले लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा लेके इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है, थोड़ा सा लाइट गूंदना है। लो, ये गूंद चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो चुके, देखिए अच्छे से गूंद गया। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। हमें थोड़ी छोटी से बड़ी लोई बनानी है, मतलब मीडियम लोई बनानी है। तो देख लीजिए, मैंने मीडियम लोई है। अब इसको अच्छे से मैंने गोला बना लिया है और थोड़ा सा धनिया ले लिया है। अगर आपके पास व्हाइट तिल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे बेलेंगे थोड़ा मैदा यूज़ करके। गाइस, बहुत ही अच्छे नान बनेगा घर में। आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकोगे कि हम इजीली अपने घर में ही नान बना सकते हैं बिना तंदूर के। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ क्योंकि फ्राई पैन है, या फिर आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी सेम प्रोसेस होगा, उल्टी कढ़ाई में आपको इसे रखना है। तो मैंने फ्राई पैन में, इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करना है। रोटी में चारों तरफ थोड़ा पानी लगा लेना है। फ्राई पैन गरम कर लेना है। अब फ्राई पैन को उल्टा कर लेना है। अब हम इसमें अपनी रोटी को डाल देंगे। देखिए ये चिपक जाएगी, पानी डालने से ये चिपक जाती है। पहले हम एक साइड गरम होने देंगे, मतलब पकने देंगे एक साइड। सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। देखिए एक साइड से फूल रही है, क्या मस्त बनी है, बिल्कुल तंदूर जैसी। अब दूसरी साइड से भी हमने थोड़ा पानी लगा के इसको चिपका दिया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और ताकि हम दोनों साइड से अच्छे से और पका दें। देखिए चिपकी हुई है रोटी बिल्कुल, क्योंकि पानी जो है इसको अच्छे से चिपका देती है। और ये लो, तैयार हो गई हमारी तंदूरी बटर नान। देखिए क्या अच्छा कलर आया और क्या मस्त बनी है। दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ बनाकर खा सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसमें मक्खन लगा लेती हूँ। अच्छे से मक्खन लगाना, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।